बिस्मिल्लाह रहमान रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आज इस वीडियो में हम बात करेंगे, बड़ा ही अहम मौजू है कि जब कोर्ट में केस फाइल किया जाता है कभी पहली तारीख पे, तो स्टे के बाज़ुकात बड़ा हंगामी मामला होता है, स्टे लेना होता है। स्टे से मुराद होता है कि आपने कोई आप कोई भी हंगामी नोयत का मसला है, तो आप अदालत से चाहते हैं कि उस पर कोई काम हो रहा है, या आपके कोई मुदाखलत कर रहा है आपके काम में, या आपका कोई प्लाट है उस पर कोई कब्जा कर रहा है, या उस पर कोई तामीर कर रहा है, या आपकी मिल्कियत में कोई चीज़ है उसकी कोई साख्त उसकी हैसियत में तब्दीली कर रहा है, तो आप कोर्ट में केस करते हैं कि जनाब ये आप सिविल सूट करते हैं और उसमें साथ स्टे की भी इस्तदा कोर्ट से आप करते हैं। तो जब कोर्ट में केस पहली तारीख पे फाइल किया जाता है, तो उस हवाले से ये है कि मैंने कहा कि आप लोगों को समझो, बहुत से लोग हैं जिनको मसला है, उन्हें यह पता ही नहीं होता कि कौन से आर्डर हैं, कहाँ पे लिखे हुए हैं, क्या तरीकेकार है, उनको समझ नहीं आती। तो यहाँ देखें, जब के यानी केस फाइल किया जाता है तो यहाँ लिखा हुआ है बाद अज कैफियत पेश हो, यानी जब केस फाइल होता है जज के पास तो वो उसमें लिखता है ये पहली तारीख पे, यहाँ ये लिखते हैं आर्डर कि जनाबे अली गुजारिश है कि दावा हुक्म इम्तनाई जदीद है, हुक्म इम्तनाई इसे कहते हैं इंजेक्शन रोक, हुक्म इम्तनाई इसी इसी को हुक्म इम्तनाई को ही आम लफ्ज में हम स्टे कहते हैं। अर्जी दावा दरख्वास्त हुक्म इम्तनाई, यानी कितनी चीजें इसके अंदर लगी हुई हैं, वो लिख रहे हैं कि फाइल में क्या क्या लगा हुआ है। फाइल में जनाब दावा लगा हुआ है, उसके साथ दरख्वास्त है, दरख्वास्त के साथ हुक्म इम्तनाई की दरख्वास्त है, फर्द पता जिस पे एड्रेस लिखा हुआ बंदे का, और जो कागजात फर्द इनसार फहरिस्त इनसार जिन डॉक्यूमेंट पर वो इनसार कर रहा है। लेकिन एक आदमी ने केस किया जी मेरे प्लाट पर नजायज कब्जा कर रहा है, तो उसको रोके अदालत, अदालत उसका स्टे दे, उसको मना करे, तो वो कोई डॉक्यूमेंट साथ लगाएगा, उस मिल्कियत उसकी जो है उसकी डॉक्यूमेंट की रजिस्ट्री की प्रॉपर्टी की कापी लगाएगा, कोई बिजली गैस का बिल लगाएगा, जो भी उसके पास क्लेम है जिसकी बुनियाद पर वो समझता है कि मालिक, वो सारी दस्तावेज लगाएगा और साथ वकील साहब का वकालतनामा होगा। तो जज साहब जो है वो ऑर्डर क्या करेंगे, इसको ये देखें ऑर्डर जिस तरह ये डेट लिखी है, लर्न काउंसिल फॉर द प्लेंटिफ यानी प्लेंट मदई जिसने केस किया है, यार पहली तारीख पे तो दूसरी पार्टी को पता ही नहीं होता ना, आप केस जो केस फाइल करता वो ही होता है या उसका वकील होता है। सूट एज फ्रेश बी रजिस्टर्ड आर्गुमेंट अपॉन एप्लीकेशन अंडर रोल ऑर्डर 3912 विद सेक्शन 151 हर्ड। अब यहाँ देखिए, हर रिलाइंग अपॉन एफिडेविट अपेंडेड डॉक्यूमेंट एंड आर्गुमेंट एडवांस्ड बाय द लर्न काउंसिल फॉर द प्लेंटिफ, कि जो एफिडेविट लगाया है, बयान अल्फिसात लगाया है उसने, और जो डॉक्यूमेंट लगाए हैं, इनकी बुनियाद पे वो कहते हैं कि कोर्ट जो उनके वकील साहब ने जो आर्गुमेंट किए हैं, कोर्ट को जो दलायल दिए हैं, उसकी बुनियाद पे क्या कहा है, डिफेंड कोर्ट क्या कह रही है उस बुनियाद पे, डिफेंडेंट्स आर डिफेंडेंट कौन है, मुद्दा अल है दूसरी पार्टी जिसके खिलाफ स्टे लेना है, आर हियर बाय रिस्ट्रेंड उनको रोका जाता है फ्रॉम इंटरफेयरिंग के वो मुदाखलत ना करे इनटू कंस्ट्रक्शन वर्क ऑफ द प्लेंटिफ। अब फर्ज करें कोई बंदा है वो अपने मकान पे अपने प्लाट पे मकान पे कोई और नई मंजिल बना रहा है, कोई और फ्लोर बना रहा है, या प्लाट है वहां वो कोई तमीर करना चाह रहा है, बुनियादें रखना चाह रहा है, कुछ कमरे मकान बनाना चाह रहा है, तो कोई बंदा उसको रोक रहा है, तो अदालत क्या कह रही है कि भी उसमें मुदाखलत ना करो, रिस्ट्रेंड फ्रॉम इंटरफेयरिंग इनटू कंस्ट्रक्शन वर्क ऑफ द प्लेंटिफ इलीगली एंड अनलॉफुली टिल नेक्स्ट डेट। दिस ऑर्डर विल हैव नो इफेक्ट अपॉन ऑर्डर ऑफ एनी कंपिटेंट कोर्ट और अथॉरिटी। वो कह रहे हैं कि अगर किसी और कोर्ट का ऑर्डर मौजूद है इस हवाले से, इसके अलावा यानी ये नहीं है इसके अलावा कोई और मामला चल रहा है, तो उस पर कोई इसका का इफेक्ट नहीं। These observations are tentative in nature and can be reversed or modified at any time as and when required in the interest of justice. यानी वो कहते हैं कि जब भी फ्यूचर में देखें ना, जब नोटिस हो जाएगा, स्टे हो जाएगा, दूसरी पार्टी जब आएगी, अभी तो जिसने केस किया है उसने ही अपना मौकफ दिया है ना, जब दूसरी पार्टी अपना मौकफ देगी तो ज़ाहिर है कोर्ट उसके मुताबिक फिर उसमें ऑर्डर करेगी। लिहाजा वो कह रहे हैं कि फिलहाल मीन वाइल ये ऑर्डर किए गए हैं, जो कि आने वाले वक्त में ये मॉडिफाई भी हो सकते हैं, तरमीम भी हो सकती है, या ऑर्डर वापस भी लिया जा सकता है, जो भी सूरत हाल होगी आने वाले वक्त। लिहाजा लेट नोटिस
इनवैल्प रजिस्टर्ड एडी टीसीएस इश्यू टू द डिफेंडेंट फॉर ये अगली डेट देखे ना 21/8। अब ये केस कब है, 7/8 को लिखा जा रहा है नेक्स्ट डेट, सब्जेक्ट टू डिपॉजिट प्रोसेस फी विद इन 3 डेज। अब ये जब कोर्ट ऑर्डर कर देती है स्टे के, तो फिर उसकी टेस्ट कॉपी ली जाती है कोर्ट से। ये देखे ना, ये लिखा हुआ है नकल ब्रांच स्मॉल काज कोर्ट जज जो भी है। इसी तरह यहाँ देखें नीचे लिखा हुआ है अटेस्टेड टू बी ट्रू कॉपी अटेस्टेड, ठीक है। ये इसकी सारी डिटेल जो है वो ठीक है जी। तो ये जज साहब के साइन जो भी चीज़ है, तो लिहाजा इसमें आपको इसे इंटरिम ऑर्डर भी कहते हैं, इसको स्टे का हुक्म भी कहते हैं। तो जो कोर्ट आम रूटीन में जब केस चल रहा होता है, देखिए केस चल रहा है, हर तारीख पर जज साहब ने कोई ना कोई ऑर्डर लिखवाना है। वो जो ऑर्डर हर तारीख पे लिखाया जाता है वो इंटरिम ऑर्डर्स होते हैं। लिहाजा ये क्लाइंट की जिसका केस है उसकी जिम्मेदारी है, तो इसके आगार है। ये नहीं कि आप फीस दे दी तो जनाब आप जाने, यानी कोर्ट जाने, वकील साहब जाने, आप सोए रहे और बाद में कहते हैं जी सालों साल केस चल रहा है। तो ये आप लोगों की भी बुनियादी जिम्मेदारी है कि इसका पता रखें। तो उम्मीद है कि आपको इंटरिम ऑर्डर क्या है, स्टे के क्या अल्फाज होते हैं, स्टे किस तरह से ऑर्डर लिखवाया जाता है, और वो कौन कौन सी वर्डिंग जो यूज की जाती है, और जब केस पहली दफा फाइल होता है तो स्टे किस तरह से होता है, ये सारी बातें आपको समझ आ गई होंगी। और अगर आपको कभी इस तरह के मामला आपकी जिंदगी में दरपेश हुए तो ये वीडियो आपके लिए मावन साबित होगी। और इस वाले से जो कॉपी का ये प्रोसेस जो है, मैंने इस वाले एक वीडियो ऑलरेडी बनाई हुई है, वो भी आप लिंक को क्लिक करके देख सकते हैं कि कॉपी टेस्ट के जो है उसका क्या फॉर्म क्या है और तरीके क्या है। थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।